हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइव बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइव बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने घर के आसपास से जूस बार का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप जूस बार की कंपनी बना सकते हैं, कैसे आप जूस बार की चेन या आउटलेट स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक तरह से बहुत ही कम कंपटीशन वाला बिजनेस है, जिसमें बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसे जूस की दुकानें बहुत ज़्यादा होती हैं या जूस की स्टॉल्स बहुत होती हैं, लेकिन जूस बार चेन का जो बिजनेस है वो बहुत कम मिलेगा। जूस बार चेन की बहुत कम कंपनियाँ हैं इंडिया में। तो एक तरह से बहुत कम कंपटीशन वाला बिजनेस है, जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं और एक अपना ब्रांड बना सकते हैं और एक लाभ का बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल ही फ्री है, ताकि आपको इसी तरह के आइडियाज़ या बिजनेसेस के बारे में जानकारी मिलती रहे और आप अपनी लाइफ को बूस्ट करते रहें। तो दोस्तों, जूस बार जो व्यापार है वो लाभ का व्यवसाय है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं ने लोगों को जूस पीने के लिए प्रेरित किया है, जो किसी भी बीमारी से लड़ने वाले विभिन्न फलों के रस की पेशकश करते हैं। तो दोस्तों, जो रस के प्रकार हैं, हम सभी प्रकार के फलों और सब्जियों की पेशकश करने में आपको इसमें समक्ष होना चाहिए, जो कि विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां हैं। तो दोस्तों, स्वाद और टच, हमें अलग अलग स्वादों में फलों के रस की पेशकश करने की आवश्यकता है। यदि हम इंटरनेट खोजते हैं तो आप जायके की कई किस्मों को इसमें पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद है सब्जी का रस। हम सब्जी के रस की भी पेशकश करते हैं, यह ग्राहकों को आकर्षित करने का एक अनूठा तरीका होगा। आपको उन्हें यह पेशकश करने में सक्षम होना चाहिए कि सब्जी के रस भी बीमारियों से लड़ते हैं। अपने जूस बार के लिए आप स्थान चुनें, इससे पहले कि आप आदर्श स्थान परम करें। आदर्श स्थान आपका जो है वो एक शॉपिंग मॉल, थिएटर, कार्यालय, पार्क और जिम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यायामशाला ले लो, जो कसरत जहाँ पर लोग करते हैं और जिम में जाते हैं। अगर हम जिम के पास एक जूस बार खोलते हैं तो सबसे ज़्यादा ये उपयुक्त होगा। तो दोस्तों, आप क्राउड वाला स्थान में जिम हो जैसे, या कोई भी या शॉपिंग मॉल वगैरह हो, वहाँ पे अपना जूस बार स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग आते हैं और वहाँ पे जूस की सेल हो सकती है। तो दोस्तों, जो आपका जूस बार है, ये साधारण जूस बार से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इसमें हर प्रकार के जूस की वैरायटी होगी। इसमें यूनिक तरह के जूसेस होने चाहिए और यूनिक तरह के सब्जियों के जूसेस भी होने चाहिए। तो एक तरह से फुल फ्लेज्ड कंपनी का आउटलेट लगना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद है उपकरण। आप जूस बार को सुचारू रूप से चलाने के लिए और फलों और सब्जियों के रस के उत्पादन करने के लिए आपको उपकरणों की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको मिक्सर, ब्लेंडर, आइस मशीन, जूसर, चेयर्स भी आपको चाहिए, और मिल्क, ग्लासेस और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल चाहिए। और इन चीज़ों के लिए आप दोस्तों मशीन्स के लिए indiamart.com सर्च कर सकते हैं। ये सारे सामान आपको लोकल मार्केट से आसानी से मिल जाएंगे। मशीन आप शुरू में छोटी लगा सकते हैं और बाद में ऑटोमेटिक मशीन बड़ी अगर लेना चाहते हैं तो indiamart सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, सस्ती कीमत अगर आप चार्ज करते हैं तो आपके कस्टमर बहुत जल्दी बनेंगे, और आप क्वालिटी अगर अच्छी देते हैं और वैरायटी देते हैं और अलग अलग जूसेस और सब्जियों के और फलों के देते हैं, तो आपको कस्टमर गेन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, सुनिश्चित करें कि आप फल और सब्जियां जो खरीद रहे हैं वो स्वाभाविक है, एक तरीके से फ्रेश रूप से उगाई गई हों और उसमें केमिकल्स का यूज़ ना किया गया हो। तो दोस्तों, यदि आप इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों को भी साथ लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी इसमें कॉस्ट बचेगी। आपको सही स्थान चुनना होगा, इसके लिए आपको किराया देना होगा। अगर आपकी कहीं अच्छी लोकेशन में अपनी दुकान है तो वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो आपको अच्छी लोकेशन पे किराया देना होगा। तो दोस्तों, लोग समय समय पर अपना जो टेस्ट बदलते रहते हैं, इसलिए आपको अपने मेन्यू में जूस के निरंतर बदलाव करते रहना होगा, एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा, और अपने कंपटीटर से भी आगे निकलने के लिए अपने जो जूसेज हैं, रेसिपीज हैं, उनको बेहतर बनाए रखना होगा। दोस्तों, अगर हम एक जूस बार के संचालन में सभी खर्चों को शामिल करते हैं तो इसमें 20-40% तक का प्रॉफिट होता है, और कई बार तो इसमें 50-60% प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर आपकी कॉस्टिंग कम है, आपका किराया कम है। तो दोस्तों, आप अपनी जो दुकान है उसमें आपको एक खुद का बोर्ड लगाना होगा, खुद का एक इसमें ब्रांड बनाना होगा। आपको अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बनाना होगा, अपनी कंपनी का नाम बनाना होगा, जिसका आपके आप बैनर या बोर्ड अपनी दुकान के बाहर लगा सकते हैं। आपको इंटीरियर पूरा डेकोरेट करना होगा, जहाँ पे आपके इंटीरियर में अंदर फलों और सब्जियों के जो पोस्टर हैं वो बड़े बड़े लगे हों, ताकि आपका एक कंपनी का आउटलेट लगे। आप खुद का भी मेनू है दोस्तों, शुरू में 5 या 10 जूसेस से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें 5 या 10 फ्रूट्स के और 5 या 10 वेजिटेबल्स के जूस हों। तो दोस्तों, शुगर वालों के लिए आप अलग से जूसेस बना सकते हैं, इसके लिए आप इंटरनेट सर्च कर सकते हैं। मशीनों के लिए indiamart.com सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आप अखबारों में, रेडियो में अपने जो बिजनेस का विज्ञापन है वो दे सकते हैं।
तो दोस्तों एक आउटलेट चलाने के बाद आप अपनी फ्रेंचाइजी सिस्टम शुरू कर सकते हैं और दूसरी जगहों पे अपनी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। इसके लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि कैसे फ्रेंचाइजी दी जाती है और अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैं फ्रेंचाइजी के बारे में भी आगे वीडियो बनाऊंगा कि कैसे फ्रेंचाइजी दी जाती है। आप होम डिलीवरी की सुविधा भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जूसर जो मशीन होती है 5,000 से 1,00,000 तक आ जाती है, जो कैपेसिटी पे डिपेंड करती है कि आप कितनी बड़ी मशीन ले रहे हैं। आउटलेट का जो इंटीरियर है दोस्तों 1 से 2 लाख में हो जाता है। तो इसके बाद रजिस्ट्रेशन दोस्तों, आपको फूड लाइसेंस लेने की इसमें रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। शुरू में चाहे आप ना लें, लेकिन बाद में आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके लिए आप ऑनलाइन FSSIFoodLicense.com पे विजिट कर सकते हैं। उद्योग धार में अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके लिए udyogdhar.gov.in में आपको बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। GST लेना पड़ेगा क्योंकि आप बिलिंग करेंगे, तो reg.gst.gov.in पे जाके आप ऑनलाइन GST ले सकते हैं या CA के थ्रू GST ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको थोड़ा बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको इसमें कुछ आपको फाइनेंस चाहिए, तो आपको दो तरह की इसमें फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। फिक्स्ड कैपिटल जो कि अवधि ऋण टर्म लोन और कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के रूप में खरीदी जा सकती है, जिसे कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट सुविधा के माध्यम से लिया जा सकता है। आप किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान जैसे माइक्रो फाइनेंस या सहकारी समितियों से आवेदन कर सकते हैं। MSME स्कीम के माध्यम से ऋण ले सकते हैं। इसके लिए MSME.gov.in की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने जूस बार की चेन चला सकते हैं, एक जूस का ब्रांड बना सकते हैं और इसको धीरे धीरे अपनी स्टेट या अपने डिस्ट्रिक्ट से निकल के पूरे ऑल ओवर इंडिया भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एक कंपनी के रूप में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही यूनिक आइडिया है, ये बहुत कम कंपटीशन वाला आइडिया है, इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल ही फ्री है ताकि आपको इसी तरह के आइडियाज़ के बारे में जानकारी और ऑपरेशन मिलती रहे। तो दोस्तों बाय बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर, मिलेंगे एक नई आइडिया के साथ।